तो ना आज हम देखेंगे कुछ महाराष्ट्र वाले छूटे हुए नदियाँ जो गोदावरी कृष्णा से रिलेटेड हैं, और गुजरात और राजस्थान में जो नदियाँ बहती हैं जैसे लुनी वगैरह इन सब को। तो सबसे पहले आ जाओ कि पूर्णा हमने लिख लिया था, तो एक और लिख लो दुधना रिवर, दुधना पूर्णा। ये किस में लिखना है? किस में लिखना नहीं मालूम है क्या? गोदावरी में लिखना है भाई, गोदावरी नदी लिख नहीं रहा क्या? अच्छा, और ये कोदम रिजर्वायर, हाँ तो कोदम रिजर्वायर कोदम रिवर से रिलेटेड है, और ये मांजरा जो है वो निजाम सागर से रिलेटेड है, तो ये दोनों याद रखना ठीक है, गोदावरी रिवर है। अब यहाँ पे है पराकरो, अब ये पराकरो क्या है? तो पराकरो रिवर है, किस में जाती है? गोदावरी में। परवरा, परवरा किस में जाती है? गोदावरी में जाती है। अतुल हिल से शुरू होता है, ये बेलाई लेक से शुरू होता है ठीक है, तो ये बेली लेक को भी याद रखना है, अतुल हिल को भी याद रखना है, फिर मुला, मुला को भी याद रखना है। यहाँ पे मांजरा, और ये है बालाघाट रेंज, और बालाघाट रेंज से मांजरा नदी शुरू होती है और धीमे 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 चली जाती है, फिर मानेर ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखना है? बलई, और ये प्रकरो यहाँ से आती है, प्रकरो ठीक है, फिर प्रकरो परवरा मुल्ला मांजरा मानर किन्नरसनी, किन्नरसनी थी सबसे लास्ट है ना, ये गोदावरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ठीक है, याद रहेगा? हाँ ये तो याद रहेगा। ये है हरिश्चंद्र रेंज, हरिश्चंद्र रेंज यहीं से भीमा नीरा ये सब की शुरुआत होती है ठीक है, और नीरा है ये, नीरा एक लेक से शुरू होती है जिसका नाम है भाईगार, भाईगार लेक, ये भाईगार से शुरू होती है, और भातगर, ये भातगर है टी है, भातगर लेक से शुरू होती है ठीक है, और ये नीरा नदी है जो भीमा में जाकर के मिलती है, और यहाँ पे नीरा के बाद ऊपर एक और नदी है, कहाँ गया, मान, मान नदी भी आकर के भीमा में मिलती है, और सीना नदी भी आकर के भीमा में मिलती है, तो ये है नीरा मान सीना भीमा, ये नीरा मान सीना भीमा, नीरा मान सीना भीमा सब एक साथ जाकर के कहाँ मिलती है? तो कृष्णा नदी में मिलती है ठीक है, ये सब एक साथ जाकर के कृष्णा नदी में मिलती है, भीमा के नाम से मिलती है ठीक है, ठीक है ना, ये इस तरीके से। फिर ये कृष्णा वैली है, तो कृष्णा वैली से शुरू होता है कोयना रिवर, तो ये है कृष्णा वैली, कृष्णा वैली से शुरू होता है कोयना रिवर, ये है पंचगंगा रिवर, पंचगंगा, ये है दुधगंगा, ये घट प्रभा, मल्ल प्रभा ठीक है, तुंगभद्रा। तो हमने बताया था कि कृष्णा वैली, कोयना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घट प्रभा, मल्ल प्रभा, मल्ल प्रभा, तुंगभद्रा। अब यहाँ पे एक भी रिजर्वायर नहीं आ रहा है, तो कोई बोलेगा कृष्णा नदी में 500-600 रिजर्वायर आती हैं, तो नहीं मानना। फिर यहाँ पे एक नागार्जुन सागर डैम आएगा, वो भी आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर श्री सैलम टेम्पल टाइगर रिजर्व करके है वहाँ पे, उसको भी याद रखना, और ये नागार्जुन सागर डैम को भी याद रखना, कृष्णा नदी उससे जाती है। तुंगभद्रा रिवर तो तुंगभद्रा डैम से आती है ठीक है, मलप्रभा तो कोई डैम वैम नहीं है, कोई रिजर्वायर रिवर नहीं, घटप्रभा कोई नहीं, दुधगंगा ऐसा नहीं है, दुधगंगा बस दुधगंगा नाम है, धोनी रिवर आती है यहाँ पे कृष्णा में है ना, तो कृष्ण धोनी को प्रेम करते हैं इसलिए शिवाजी सागर है ठीक है। अब शिवाजी सागर से कोयना रिवर आ सकती है ना, तो ये शिवाजी सागर यहाँ से इसे जुड़ी हुई है कोयना रिवर, देख सकते हो आराम से एकदम, ये शिवाजी सागर है, यहाँ से कोयना जुड़ी हुई है, और कोयना आ रही है, फिर वरना आ रही है, फिर पंचगंगा आ रही है, तीनों एक साथ आकर के दुधगंगा के आसपास मैच कर जा रही है, और फिर वो कृष्णा में चले जाए, तो ये देखते हैं। तो ये रहा पेनिनसुला नदी, और अब चलते हैं हम यहाँ ऊपर, ये चांदोर हिल ठीक है, ये है गिरना रिवर, और ये है बोरी रिवर, और ये है गलना हिल, और ये है पांजरा रिवर, और तीनों सब जाकर के एक साथ कहाँ मिलती हैं? तो तापी में मिलती हैं। तापी में एक रिजर्वायर आता है जिसका नाम है उकाई रिजर्वायर, अब उकाई रिजर्वायर ना तो कृष्णा से रिलेटेड है, ना ही गोदावरी से, ना ही महानदी से, ना ही कावेरी से, ना ही ब्राह्मणी से, बैतरणी से, ना ही सुवर्णरेखा से, ना ही सुवर्णमुखी से,
तो किससे रिलेटेड है? तो ये तापी से रिलेटेड है, और ये क्या नाम है? तो उकाई नाम है। ओके, उकाई नाम है, ये याद हो गया, याद हो गया। इतना डिटेल में मत बताया कीजिए, ज़्यादा याद हो जाता है। नहीं तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब परकरा बिलाई से आता है, इतना याद रखना है ना कि बस परकरा बिलाई से आता है और उकाई रिजर्वायर में तापी आता है, नहीं तो पता चले वही भूल गया। ओके, अब आगे बताइए कि क्या करना है। आगे कुछ करना नहीं है, आगे हमें चलना है राजस्थान। राजस्थान में देखें कि एक नाम है नदी का, जिसका नाम क्या है। तो ये नदी आते आते नाम से विराम हो जाती है, मतलब ये पानी में नहीं जाती, इधर ही गायब हो जाती है। क्या नाम है उसका? तो लुनी। अरे ये तो पहले ही दिख गया था, आपने बोला क्यों नहीं? मैं सोच रहा था कि तुम देख पाओ तो शायद। फिर एक ये है जिला जिसका नाम है जोधपुर। अच्छा तो जोधपुर है तो क्या है सर? नहीं वो कुछ है नहीं, पर मतलब किसी को बताना नहीं कि जोधपुर जिला भी है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं इधर। सर आपसे कोई रिलेटेड रहता है क्या? हाँ जी, हमसे रिलेटेड बहुत सारे लोग रहते हैं, सारे दुश्मन मेरे इधर ही रहते हैं। क्या बात कर, हाँ ये लूनी रिवर है, ठीक है। अब लूनी रिवर का कुछ ट्रिब्यूटरी है, इतने सारे याद करने हैं क्या सर? हाँ एक का नाम है सुकई। अरे ये तो सूख गया है सर। हाँ तो सूख गया, इसीलिए तो नाम है इसका सुकई। ओके, एक का नाम है बंदी। सर ये बंदी ही है क्या? हाँ बंदी ही है। एक का नाम है सुकरी, मतलब एक तो सूख गई है, एक सूख रही है। अभी सूख रही है मतलब? हाँ मतलब सूखी रही है, अभी सूखी नहीं है। ओ तो एक सुकई है, एक बंदी है, एक सुकरी है। और ये तो तीन याद ही हो गया कि एक सुकई है, एक सुकरी है, अभी एक बंदी है। मतलब ये कि ये बंद है, अच्छा, और ये सुकई है, मतलब ख़त्म हो गई, सुकई है और ये सुकरी है। ओके, मतलब ये तीनों किसी काम के है नहीं, ऐसे भी एक सूखी गई है, एक सूख रही है, एक बंद हो गई है। ओके तो सुकई, बंदी और सुकरी, और तीन बच गए हैं। हाँ तो ये जोई वाला है, जो जोई डायरेक्ट आकर मिलता है, मतलब ये है कि सुलेरी और खरी, सुलेरी और खरी आकर के जोई में मिल जाते हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि आप सुवई और खरी आकर के जोई में मिल जाते हैं, ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसके ट्रिब्यूटरी हैं और जोई लुनी के ट्रिब्यूटरी हैं। अच्छा ऐसा, हाँ तो एक का नाम है सुकई, बंदी, सुकरी, जोई, खरी, सुलेरी। अब ये तीनों आकर के इसमें मिल जाती हैं। तो सर लूनी जाती किधर है? इधर जाती है कि इधर जाती है? नहीं यहाँ आकर के कहाँ जाती है इसको किसी को नहीं पता, मतलब गायब हो जाती है क्या? हाँ गायब हो जाती है। नाव यहाँ देखो, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर कहाँ है? कहाँ है बताओ? राजस्थान में ना, दिख नहीं गया क्या? हाँ दिख तो रहा है, माफ़ कीजिए। बनास रिवर चंबल में जा रही है। इसका कमाल देखो, एक इधर बंदी, इधर चंबल में, वाह म्यूजिक। चलो आ जाओ। अब गुरु शिखर दिख रहा है? हाँ गुरु शिखर तो दिख रहा है। अब इधर आते हैं, बनास को पार कर रहे भाई। क्या ये मुझे लैपटॉप ही चलाना नहीं आता? हाँ एक है मसूर रिवर, एक है उमद रिवर, हाँ और एक उकई देख लेना, उकई रिजर्वायर है, तापी से रिलेटेड है ना, ठीक है। और ये है नर्मदा, और ये है विश्वामित्र रिवर है, तो ठीक है विश्वामित्र रिवर, तो विश्वामित्र है। माही नहीं है क्या इसमें? हाँ माही तो है, यहाँ है माही, आ तो रहा है। मेश्वा रिवर, ठीक है। नाउ ये देखो, मच्छू रिवर, मच्छू रिवर, उंद रिवर, उंद रिवर, और ये राजकोट है ना। फिर इसमें भदर, ये भदर रिवर है, भदर रिवर उजल रिवर के साथ जाकर के मिलती है, और ये फिर अरविंद सागर जाती है। शत्रुंजी है, सरकला है, तो यहाँ से याद रखना कि मशी उंद क्या याद रखो, मशी उंद ओजल सरकला शत्रुंजी, मशी उंद सरकला, मशी उंद ओजल, मशी उंद ओजल सरकला और शत्रुंजी। नंबर वन क्या है? मशी। नंबर टू क्या है? उंद। नंबर थ्री क्या है? ओजल। नंबर फोर क्या है? सरकला। नंबर फाइव क्या है? शत्रुंजी, ठीक है। अब सर ये भद्रा रिवर है, एक अपर है, एक भोगवा रिवर है, तो लोअर भद्रा कहाँ है? तो लोअर भद्रा इधर से कहीं जा रहा होगा, पर तुम भोगवा रिवर को याद रखो, ये भोगवा रिवर है। तो पहले याद रखो कि मशहूर उंद ओजल सरकला शत्रुंजी फिर भोगवा। ओके इतना तो याद हो गया, ये तो 8 बार हो गया, वापस करवाइए। ये है मशहूर,
उंद, ओजल, सरकला, सतरुंजी, भोगवा। ओके, तो नंबर वन क्या है? मशरूम। नंबर वन मशरूम, नंबर वन मशरूम। सिक्स भोगवा। टू, टू क्या है? टू तो है उंद है। थ्री, फोर सरकला है। फाइव सतरुंजी है। सिक्स भोगवा है। अरे अपर भद्रा भी तो है। हाँ तो अपर भद्रा भी याद रखो। ओके, तो याद हो गया। अब तो हम कभी नहीं भूलेंगे। आज के आज भुलवा दूंगा, रुक जाओ। कभी नहीं, कैसे भूलोगे? एक देखो, ये सरस्वती रिवर है, अचानक से आते रहती है, आती रहती है इधर इधर से आती रहती है, घाघरा करके नाम से, फिर गायब हो जाती है, इधर इधर पूरा गायब हो जाती है, फिर अचानक से इधर से पता नहीं किधर से निकल जाती है और फिर गायब हो जाती है। क्या मजाक है! इसको बोलते हैं खादी प्लेन। जो सरस्वती रिवर जहाँ बहती है ना, वो खादी प्लेन है ना। तो क्या सर ये बनास रिवर, ये वाला बनास और ये वाला बनास एक ही है क्या? अरे तुम्हें लग रही है क्या कि ये बनास एक ही, यहाँ से डिवाइड है ना? अच्छा ऐसा? नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मजाक में पूछ दिया मतलब। अब ये देखो माही रिवर है, माही यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार होता है, ठीक है? मतलब कर्क रेखा, मतलब 22 डिग्री, 23 डिग्री है ना, 22.5 माही रिवर पार होती है यहाँ से। और देखो दो बार इसको पार कर जा रही है, मतलब एक बार इधर से जा रही है तो इसको कट कर जा रही है ना। तो बोला जाता है कि एक लौता नदी का नाम बताओ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। हाँ तो ये लो, दो बार काट रही है। अब सर कुछ ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं कर देते? नहीं नहीं ठीक है, मतलब ऐसा ही बोलते हैं तो मैं क्या ना। कुछ फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स। अब ये धोनी जो है किसका ट्रिब्यूटरी है, तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि धोनी को पसंद है कृष्ण, तो नहीं बताना पड़ेगा ना। पंचगंगा भी नहीं बताना पड़ेगा, ना ही दुग्ध गंगा बताना पड़ेगा, ठीक है? ये दुग्ध गंगा, ये चिकुड़ी रेंज। ना ही घट प्रभा बताना पड़ेगा, ना ही मल्ल प्रभा बताना पड़ेगा, ना ही तुंगभद्रा बताना पड़ेगा। सब दिख रहा है? हाँ सर, ये तो दिख रही है, ये है भीमा। दिख रही है क्या? भीमा दिख रही है क्या? नीला मानसिना इसमें नहीं दिया हुआ तुम्हें क्या? मांजरा दिख रहा है, मलबरी दिख रहा है, मांजरा माने रियाद है। अरे हाँ सर, ये तो याद ही है। वाह, घट प्रभा है यहाँ पे। ओके, तो ये है पंचगंगा, दुधगंगा, घट प्रभा, मल प्रभा और तुंगभद्रा। हाँ, और ये सब कृष्णा में जा रहा है। अरे वाह, अब क्या है? अब ये बादामी पहाड़ी याद कर लो, ये बादामी हिल है, बाटापी जिसको बोला जाता है। अरे सर बाटापी तो कैसे याद रहेगा, पर ये तो कर्नाटक में है, पर बाटापी तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। हाँ तो वो बाटापी अलग है, ये बादामी हिल है। ओके ओके, गलती हो जाता है कभी कभी। अब ये तुंगभद्रा नदी आ रही है तो कहाँ से आ रहा है? तो तुंगभद्रा रिजर्वायर से आ रहा है, बताया हुआ है पहले। यह है चित्रदुर्ग, ठीक है? चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर याद होगा, और चिक्कीहगूर। ओके, तो ये तो हमें याद है। अब और नीचे आइए, कुछ काम का है। ये है कावेरी फॉल, काय का होगा तो कावेरी का, नदी का। शिमशा मैंने बताया, तुमकुर बताया, बताया ना तुमकुर। मुलैनगिरी नहीं बताया, मुलैनगिरी पहाड़ी में बताऊंगा। बाबा बुड़न हिल, ये नेशनल पार्क पहाड़ी में बताऊंगा। सीमोगा हिल, ये भी बताऊंगा पहाड़ी में। और देवराय दुर्ग, ये तो इतिहास में मास्टर से पूछना। नंदी हिल, नंदी दुर्ग इतिहास में पूछना। शवन दुर्ग इतिहास में पूछना। हाँ बैंगलोर प्लेटियू मैं बताऊंगा। दुर्ग मतलब किला होता है, किला। अब किला राजा बनाएगा ना, कि प्रकृति बनाएगी? हम प्रकृति वाले पढ़ते हैं, राजा वाला सब नारायण। अब ये देखो कृष्ण राजा सागर, कृष्ण राजा रिजर्वायर हमने पढ़ाया है कि कावेरी के लिए है ना, ठीक है? तो ये कावेरी से रिलेटेड है। और कुछ रह गया क्या? ब्रह्मगिरी, ये तो पता नहीं केरल में क्यों दे दिया है, पर ब्रह्मगिरी होना चाहिए हाँ कर्नाटक में ही है। देख लो, ये व्हाइट वाला केरल का है। पुष्पगिरी, ब्रह्मगिरी सब, कुद्रेमुख दिख रहा है क्या? तो ब्रह्मगिरी दिख रहा है, पुष्पगिरी दिख रहा है, यहाँ पर नीलगिरी है। अरे हाँ, ये तो नीलगिरी वाला रेंज है। और बिलिगिरी रंगन स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व दिख रहा है, बिलिगिरी रंगन। अरे हाँ, ये तो सही बोले यार। तो ये बिलिगिरी है, ये कूच प्लेट्यू है, और ये ब्रह्मगिरी है, और ये पुष्पगिरी है, ये कुद्रेमुख है ना। हाँ ऐसा ही है, हमें तो सारा ही याद हो गया है। पर ये धारवाड़ प्लेट्यू है,
और धारवाड़ प्लेटियो मैंने बहुत मस्ती से पढ़ा है। ये विजयनगर प्लेटियो है, इसको भी बढ़िया से पढ़ा है। दंदेली है, इसको भी पढ़ा है। जॉब हॉल, चलो तो इसमें लगभग 90% जो चीज़ें हैं वो यहाँ से निकल के बाहर आ गई हैं, अब कुछ नहीं बचा है। बाकी एक आध दो बचा है तो जैसे मेकातु बचा है तो ये मेकातु देख लेना क्या है। कूर्ग प्लेटियो बचा है तो ये मैंने कूर्ग करा दिया है, कहीं ना कहीं तो कराया है। और बिल्गजंगन हिल करवा दिया है, नहीं करवाया है तो नेशनल पार्क में करवा दूंगा, डोंट वरी। ये हो गया ख़त्म। तो बोलो हरे कृष्णा। इतना मेहनत, हालांकि तुम खुद को शाबाशी दे सकते हो कि इतना मेहनत कर रहे हो अन्यथा, पर मेहनत कर रहे हो तो फल तुम्हें ही मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलेगा मास्टर। नहीं, ठीक है तुम्हें भी मिलेगा, मुझे मिलेगा। चलो आ जाओ, ये क्या है बे, चन्नावरी कोलार प्लेटियो। हाँ तो ये तो कोलार गोल्ड फील्ड वाला कोलार प्लेटियो है, तो कोलार प्लेटियो को तो मैंने बताया ही है ना कि कोलार गोल्ड फील्ड वाला एरिया है। हाँ सर, आपने तो बताया है। तो बोलो हरे कृष्णा, ज़ोर से बोलो और अपने पीठ पे शाबाशी दो कि ये जो सीरीज़ है अब यहाँ पे एंड आता है। अब ये इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है ना, तो एक पार्ट ख़त्म होता है, एक पार्ट मतलब 33% ख़त्म होता है सर। अभी 33% हुआ है, हाँ अभी तक 33% हुआ है। इतना याद करते करते तुम्हारी धुआं निकल जाने वाली है, तो इतना पहले याद करो, उसके बाद नया सीरीज आएगा, कल से ही आएगा। हाँ मतलब ये पूरा सितंबर का काम हो गया है, अब पूरा अक्टूबर में आएगा। ओके थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू। रोकू कैसे इसको?